हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.3 के जो हमारे बचे हुए चौथे सवाल थे, हम लोग उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर आपने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है वह आपको स्क्रीन के ऊपर अभी प्रश्न दिखाई देने लगेगा, हम लोग उसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, -2 और -2, -3 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम लोगों को सवाल हल कर लेते हैं। तो हम लोगों को लिखेंगे जो चौथा सवाल है कि चतुर्भुज के दिए गए शीर्ष क्या क्या हैं? दिए गए शीर्ष हैं, ए बराबर दिया है इसमें कितना, -4, -2, बी बराबर दिया है -3, -5, फिर सी बराबर दिया है 3, -2 और डी बराबर दिया है कितना, 2, 3। हम लोग इसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट में व्यक्त कर लेते हैं। तो x1 बराबर हो जाएगा -4, y1 बराबर हो जाएगा -2, x2 बराबर हो जाएगा -3 और y2 बराबर हो जाएगा -5 और x3 बराबर हो जाएगा 3 और y3 बराबर हो जाएगा -2, x4 बराबर हो जाएगा 2 और y4 बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। हम लोगों को कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 हो जाएगा। फिर x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 plus x4 y1 minus y1 x2 plus y2 x3 plus y3 x4 plus y4 x1। इस प्रकार हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह इतना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दिए गए कोऑर्डिनेट है इसको उठाकर रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 x1 का देखो मान दिया है -4, -4 गुणे y2 का मान दिया है कितना, -5, तो लिखेंगे -5 प्लस x2 का मान दिया है -3, तो -3 गुणे y3 का मान दिया है -2, तो -2 प्लस x3 का मान दिया है कितना, 3 गुणे y4 का मान दिया है कितना, 3 प्लस x4 का मान दिया है 2 गुणे y1 का मान दिया है कितना, -2। इस प्रकार हमारा यह सवाल इतना हो गया। फिर हम लोग आगे रखते हैं मान को, y1 का मान दिया है कितना, दिया है -2 गुणे x2 का मान दिया है कितना, -3 प्लस y2 का मान दिया है -5 गुणे x3 का मान दिया हुआ है कितना, -2 प्लस y3 का मान दिया है कितना, यहां पर है -2। सो एक बार हम लोग फिर से मिला लेते हैं, y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया -2, फिर x2 का मान दिया है -3, -3 सही है, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, फिर y2 का मान दिया है -5 इंटू x3 का मान देखो दिया है कितना, 3। x3 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहां पर हमारा यह क्या हो गया था, गलत हो गया था, x3 का मान 3। फिर y3 का मान यहां पर है, y3 का मान हो जाएगा -2 गुणे
यक्स फोर, यक्स फोर का मान है दो, प्लस वाई फोर, वाई फोर का मान दिया है कितना तीन, गुड़े कितना यक्स वन, यक्स वन का मान दिया है कितना माइनस चार। इस प्रकार हमारा यह दिया गया सवाल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक बटे दो माइनस चार का गुणा माइनस पांच में बीस, पंजे सौ, प्लस तीन का गुणा छह में तीन दूना कितना हो जाएगा प्लस छ, फिर तीन का गुणा तीन में तीन तरीका कितना हो जाएगा नौ, दो का गुणा दो में दो दूना कितना हो जाएगा माइनस चार। इस प्रकार हमारा इतना सवाल हल हो गया। फिर हम लोगों को आगे है अगला, तो दो तिहाई हो जाएगा कितना यक्स वाई वन, वाई वन का मान देखो यहां पर कितना दिया है माइनस दो, फिर यक्स टू, यक्स टू का मान कितना दिया है माइनस तीन दिया है, वाई वन माइनस दो तो तीन दूना हो जाएगा कितना माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा प्लस छ, पर माइनस तीन नहीं यहां पर क्या है प्लस तीन है, तो पांच का गुणा करेंगे तीन में पांच हो जाएगा क्या माइनस पंद्रह, फिर इसका गुणा करेंगे तीन चौके हो जाएगा माइनस बारह, फिर इसका आगे गुणा करेंगे तीन चौके बारह, और यहां पर दो दूना कितना हुआ था सॉरी यहां पर होगा पांच तिहाई माइनस पंद्रह, दो दूना माइनस चार, और तीन चौके कितना हो जाएगा माइनस बारह। अब हम लोग इनको क्या करते हैं पूरा ऐड कर लेते हैं, एक बटे दो बीस में छह जोड़ेंगे छब्बीस हो जाएगा, छब्बीस और नौ है और यह है कितना चार, नौ में से चार को घटा देंगे बचेगा, नौ में से चार घटा देंगे बचेगा पांच, तो पांच और छह हो जाएगा ग्यारह, ग्यारह और बीस कितना हो जाएगा इकतीस, माइनस यह पंद्रह है, पंद्रह में चार जोड़ेंगे पंद्रह चार हो जाएगा उन्नीस, उन्नीस में क्या करेंगे बारह है बारह जोड़ देंगे तो उन्नीस में से नहीं तो बारह में से छह घटा देंगे बचेगा छह, फिर उन्नीस है उन्नीस में छह को जोड़ देंगे हो जाएगा कितना पच्चीस, सब में माइनस है तो हो जाएगा पच्चीस माइनस बराबर एक बटे दो, इकतीस माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस पच्चीस। अब हम लोग इसको हल कर लें, एक बटे दो ती पांच एक हो जाएगा छह गुणे छह तीन दो कितना हो जाएगा पांच, यानी मिल गया छप्पन बटे दो, तो हमारा जो हो जाएगा सवाल वह हो जाएगा तेईस दून दो दूना चार और आठ दूनी सोलह, अट्ठाईस वर्ग इकाई, अट्ठाईस वर्ग मात्रक या अट्ठाईस वर्ग इकाई, जो हमसे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा था वह कितना हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल पूछ रहा था अट्ठाईस वर्ग क्या हो गया मात्रक हो गया। इस प्रकार जो हमारा दिया गया चौथा सवाल था वह भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। आप इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।